चलिए बच्चों, अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर थ्री का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है आपका डिजिट वाला क्वेश्चन है, जो मैंने आपको एग्जाम्पल में कराया था, है ना। एग्जाम्पल में जो मैंने क्वेश्चन कराए थे ना, ठीक है, तो उन्हीं को उस जैसे क्वेश्चन है, तो आपने एग्जाम्पल अगर कर लिया है तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। चलिए फिर भी देख लेते हैं क्या है। द सम ऑफ टू डिजिट, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज नाइन। मतलब टू डिजिट का एक नंबर है, उनका सम कितना है, नाइन है। तो टू डिजिट अगर आपको गिवन है तो उससे नंबर कैसे बनाते हैं आपको पता है, मैंने बताया था, फिर भी बता दो दोबारा से, ठीक है। एंड ऑल्सो नाइन टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द नंबर। ठीक है, समझ में आया, नहीं आया तो कोई बात नहीं, हमें है ना। चलिए तो सुनो, पहले अगर आपको कोई दो डिजिट दिए जाए तो उससे नंबर कैसे बनाते हैं वो सीखो आप। अगर मैंने एक डिजिट दिया वन, एक डिजिट दिया सिक्स, मुझे इससे नंबर बनाना है तो क्या बनेगा, 16 बनेगा या 61 बनेगा, है ना। अगर मैंने आपसे कह दिया ये टेंस प्लेस पर है और ये वंस प्लेस पर है तो क्या बनाओगे, तो ध्यान रखते, अगर आप डायरेक्ट कह दिया ये टेंस प्लेस पर, ये वंस प्लेस पर है, तब क्या कह दोगे, 61 हो गया सर। बट ये एक्चुअली में बनता कैसे वो सीखो अच्छे से। अगर ये टेंस प्लेस पर है तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ये वंस प्लेस पर है तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब जिस प्लेस पर जो होता है उसी का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उनको सम कर देते हैं। तो 10 सिक्स जा 60, 1 1 जा 1 प्लस करेंगे कितना आएगा, 61। ऐसे नंबर बनता है, क्लियर। अगर मैं वंस प्लेस पर कहा और ये क्या है, टेंस प्लेस पर, 10 में 10 और 6 16। तो ऐसे ही आपको नंबर बनाना सीखना होता है। अगर मैंने कहा 3D8 का, तो आपको स्पेसिफाई करना होगा कि वो नंबर कौन सी प्लेस पर है। तो हम सपोज कर लेते हैं, लेट द वंस प्लेस बी एक्स एंड टेंस प्लेस बी वाई। वंस प्लेस एक्स सपोज कर लेते हैं और टेंस प्लेस वाई, क्लियर। अब वो कह रहे हैं द सम ऑफ द डिजिट, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज नाइन। अच्छा, नाइन दिया सम, तो सम नाइन दिया गया, यानी कि मतलब जो डिजिट होंगे ना उनका सम कितना होगा, नाइन होगा, है ना। तो कौन कौन से पॉसिबल है आप खुद दे सकते हो। देखो 1881, इनका सम कर कितना आएगा, नाइन। 2772, 3663, 4554, तो ये नंबर पॉसिबल है। आप देख रहे हैं इनमें से कोई आंसर आएगा, क्योंकि यही ऐसे डिजिट हैं, यही ऐसे टू डिजिट नंबर है जिनका सम करने पर कितना आता है, नाइन। एक नंबर और है 90 है, क्यों, 9 + 0 कितना होता है, नाइन। तो ये पॉसिबल है, देखना आप इनमें से आंसर आएगा। चलिए देखते हैं, तो लेट, अब नंबर क्या है, अब गिवन क्या है आपको, सम ऑफ टू डिजिट्स इक्वल टू नाइन, यानी कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू नाइन। ये तो मैं इक्वेशन नंबर वन में गई। अब आगे क्या बोला है वो सुनो, सुनो पहले अच्छे से। अब वो क्या कह रहा है, यही सुनने का है, ऑल्सो नाइन टाइम दिस नंबर, मतलब इनसे जो नंबर बनेगा ना उसका 9 टाइम्स करेंगे इज, उसके बाद क्या कह रहा है, ट्वाइस द नंबर, नंबर का ट्वाइस करेंगे बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। अगर इनके नंबर डिजिट को रिवर्स कर दिया जाए, यानी 61 का 160 कर दिया जाए, तो वो उसका जो 2 टाइम्स है ना वो ओरिजिनल नंबर के 9 टाइम्स के इक्वल होगा, ठीक है। तो पहले नंबर बनाते हैं, तो एंड दिस नंबर, ये नंबर क्या बनेगा, इससे देखो ये टेंस प्लेस पर है तो 10y, और प्लस ये वंस प्लेस पर है तो x, 10y ये वंस प्लेस पर है x, तो इन दोनों को प्लस कर देते हैं। एंड एंड रिवर्सिंग द डिजिट्स, देन न्यू नंबर कितना आएगा, न्यू नंबर कितना आएगा बताइए जरा बच्चों, 10x + y, है ना। रिवर्सिंग मतलब अब ये टेंस प्लेस पर हो गया, ये मंथ प्लेस पर, तो टेंस प्लेस पर ये है तो 10x + y, है ना। चलिए अब लिखना है आपको एटी क्यू। एटी क्यू क्या है भैया, 9 टाइम्स दिस नंबर,
जो हमने डिजिट सपोज की है इसका 9 टाइम्स, तो 9 मल्टीप्लाई 10 वाई प्लस एक्स इज ऑब्टेन्ड, इज इट ट्वाइस ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग ऑफ द डिजिट, मतलब इनका डिजिट का रिवर्स किया मैंने तो ये नंबर मिला इसका ट्वाइस। अब यहां पर कंडीशन नहीं है इसका 3 टाइम्स इसका 4 टाइम्स है तो हम कम वाले में मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां ऐसा नहीं है, यहां दोनों पर कंडीशन दी गई इसलिए आप ऐसा जैसा है वैसे लिखोगे। सॉल्व कर लेते हैं तो 10 9 जन 90 वाई प्लस 9 एक्स प्लस 20 एक्स प्लस 2 वाई है ना, कॉन्स्टेंट ही नहीं आ रहा इसमें तो 10 9 जन 90 वाई प्लस 9 एक्स प्लस 10 टू 20 एक्स 2 वाई। चलिए तो अब क्या है, मैं एक्स वहां ले जा रहा हूं वाई यहां ले जा रहा हूं, ठीक है तो 90y माइनस 20y इक्वल टू सॉरी 2y, 90y प्लस 2y यहां के माइनस 2y, 20x माइनस 9x तो 20x माइनस 9x 11x और यहां कितना आएगा 88y, 11 का डिवाइड जा रहा है तो मैं लिखूं 8y इक्वल टू x तो x माइनस 8y इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 2, x माइनस 8y इक्वल टू 0 कर दिया, ठीक है आप सॉल्व कर लेंगे। अब देखो उसमें मुझे दिख रहा है कि x के कोएफिशिएंट सेम है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड लिख दो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड x प्लस y इक्वल टू 9, x माइनस 8y इक्वल टू 0, x माइनस 8y इक्वल टू 0। चलिए तो अब माइनस प्लस माइनस, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस करना है, प्लस वाई प्लस 8y कितना हुआ 9y, 9 माइनस 0 कितना होता है 9, देन y इक्वल टू कितना आ गया, यानी कि हमारा जो टेंस प्लेस वो कितना आ गया 1 आ गया। अब देख लो आप इन दोनों में से कौन सा लग रहा है मुझे, अब फ्रॉम फर्स्ट x प्लस 1 इक्वल टू 9, देन x इक्वल टू 9 माइनस 1, देन x इक्वल टू कितना आएगा 8, देख लो